नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इन 10^-3 ग्राम्स ऑफ इथेन इज 1 बार. इफ सॉल्यूशन कंटेन 5 × 10^-2 ग्राम्स ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. तो यहां पर एक फॉर्मूला दैट इज मास इक्वल्स टू के एच इन टू पार्शियल प्रेशर. ठीक है, सो मास कितना दिया है. फर्स्ट सिचुएशन में मास दिया हुआ है 6.56 इंटू 10^-3 दिया हुआ है और के एच का वैल्यू तो है नहीं और कितना कितना पार्शियल प्रेशर है तभी 1. ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन नंबर क्या बन जाता है 1. बाद में जो मास है 5 × 10^-2 है, किसी के एच की वैल्यू तो नहीं पता और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ के एच के टर्म्स में अगर आप इनके वैल्यूज लिखें तो पहले वाली क्या वैल्यू होगी, के एच इक्वल्स टू क्या हो गया 6.56 इंटू 10^-3 अपॉन क्या हो जाएगा 1. ये पहले वाले की वैल्यू है और दूसरे वाले की वैल्यू क्या आएगी, के एच इक्वल्स टू 5 × 10^-2 अपॉन पी. ठीक है, दोनों को साथ में सब्सटीट्यूट करते हैं. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस कुड बी रिटन एज 6.56 इंटू 10^-3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 × 10^-2 अपॉन पी. आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट आंसर 0.762 बार इज द फाइनल आंसर.